अमन जी ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है मेरा आपके अहमदाबाद में आज आज बहुत ज्यादा गर्मी है जी। ओके और आपका जो क्रू है वो एक मिनट, आप दोनों ठीक है? हो रहा है मैनेज? हो रहा है ना, एसी भी काम नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है। तो हमारा थर्ड चेंज एंड लास्ट चेंज विद अमन जी एंड होपिंग फॉर सम रियली नाइस पिक्चर्स एंड देन वी विल टॉक टू अमन जी। यस अमन जी थैंक यू, शूट खत्म हुआ। हमने तीन लुक्स कोशिश करी है अच्छी तरह से इस गर्मी वाले मौसम में शूट करने की। एंड कुछ आप बोलना चाहेंगे अपने बारे में? नहीं मैम, मैं अपने बारे में तो क्या कहूँ आपके सामने, बिकॉज़ आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू। आपको मूवीज में देखते थे, सीरियल्स एंड रियलिटी शोज की वजह से कंट्रोवर्शियल हुई है। एक्चुअली मैं नहीं मानता हूँ मैम, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने विचार अपनी बात रख ना पाए, और जरूरी नहीं कि हर कोई किसी को अपनी बात पसंद ही आएगी, और उसको लेकर अगर कोई कंट्रोवर्सी हो रही है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, नॉट आपकी। बट पता है बहुत बुरा लगता है जब कोई अपनी बात रखता है और उस बात को मोड़ तोड़ के उनको केसेस में फंसा दिया जाता है, आप समझते हैं? भारत, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी सैड, बिकॉज यहाँ पर मुझे लगता है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। आई डोंट नो इफ यू नो एनीथिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जनरली। आपको रेगुलर आपके यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे रेगुलर आपके ब्लॉग वगैरह सुनता हूँ, जो भी करंट टॉपिक पे होता है आप कुछ ना कुछ। यस बट देन पीपल गेट ऑफेंडेड, एंड डिसएग्रीमेंट का मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ गलत करें, आप समझ रहे हैं? आप और मैं एक बात पे सहमति नहीं रख सकते जी, बिल्कुल। मगर आप मेरा बुरा चाहे और आप मेरे को बुरा करें मेरे लिए, दैट इज अ वेरी बैड कर्मा, आप समझ रहे हैं? एग्जैक्टली, ये मैं मानता हूँ। और इस बार मेरे एक सिस्टर और फ्रेंड से भी इस बारे में डिस्कस होती है कि अगर कोई अपना पॉइंट रख रहा है उसको लेके कोई ट्रोल कर रहा है, दैट इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में हुआ, हम थोड़ा सिखों के खिलाफ है, हम एक एक मुद्दे पे अपनी राय रख रहे हैं, नॉट सिखों के, नो एंड नॉट इवन फार्मर्स, बिकॉज फार्मर्स तो गरीब लोग होते हैं, वो तो यू नो रीढ़ की हड्डी है इस देश के, बट कुछ फार्मर्स को बहकाया जाता है, तो उनको मतलब क्या कहते हैं, अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए अगर हम कुछ बोले उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक कौम के खिलाफ है, आप समझ रहे हैं? बट ये बहुत होता है आजकल, मैंने देखा है। मैंने आपकी वीडियोस ब्लॉग वगैरह सुने थे, तो आपने उसमें क्लियर लिए है कि किसी टॉपिक के लिए बोला था, ना कि ये मैं इस बात की गवाही देता हूं कि नहीं आपने किसानों के खिलाफ, नहीं किसी कम्युनिटी के खिलाफ, आपने सिर्फ एक मुद्दे पे अपनी राय, वो मुद्दे को भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कहा है, ना कि किसी के अगेंस्ट कुछ कहा। बट दिस इज इंडिया, इंडिया में कहते हैं कि आजादी है बोलने की, मगर अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो आपको फंसा दिया जाता है। फिर भी इंडिया आपके साथ है, डोंट वरी। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द शूट, एंड आई होप आपके साथ और भी काम करे, एंड यू हैव रियली इंस्पायर्ड मी। आई वाज नॉट अवेयर दैट यू हैड यू नो पोलियो, बट स्टिल यू हैव सच अ यू नो jovial positive person, and you are shooting great pictures, all the best to you. Thank you very much. And thank you to your team, thank you, bye bye.